डिस्कवर मैथ्स द एजुकेटर्स बुक 5 पेज नंबर 40 एक्सरसाइज 3.3 आप यूट्यूब के ऊपर लिखेंगे मेरी टीचर एकेडमी उसके आगे लिखिएगा एक्सरसाइज 3.3 तो ये एक्सरसाइज ओपन हो जाएगी। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे और जी और एच रह गया था वो मैं इस वीडियो में सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा जी ये दोनों क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही थी, अब ये देख लें और से सिर्फ एक डिजिट की वजह से मेरा क्वेश्चन ही गलत हो जाना था, 309 लिख दिया था जबकि ये क्या है 390। खैर मैंने करेक्शन यहाँ कर ली, मेरे तो नंबर नहीं कटेंगे आपके कट सकते हैं अगर डिजिट आगे पीछे हो गए तो। अब हम देखते हैं 2 1s are 2, 1 carry इधर, 2 9s are 18, 1 carry इधर, 2 5s are 10। इसी तरह अब हम देखते हैं 3 के टेबल से, अब हम देखते हैं ये जा रहा है 3 के टेबल से, 3 6s are 18, 1 carry इधर, 3 5s are 15। फिर चलते हैं हम 5 से, 5 1s are 5, 1 carry इधर, 5 3s are 15 और 13 आपका प्राइम नंबर है तो वो अपने ही टेबल से जाएगा, 13 1s are 13। इस पे आप 2 3s are 6, 1 carry इधर, 2 5s are 10, 2 1s are 2। इसी तरह अभी भी ये 3 के टेबल से चेक करते हैं, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 2 carry, 3 7s are 21, 1 1s 7, ये जाता है 3 के टेबल से चेक करते हैं, 3 3s are 9, 2 carry इधर, 3 9s are 27। इसी तरह 3 1s are 3, 3 3s are 9, 3 आ गया प्राइम नंबर और ये हो गया 13 1s are 13। इसी तरह यहाँ आ जाएं, ये सेकंड क्वेश्चन है लेकिन मैं ये सारे एक साथ ही सॉल्व करूँ, 3 5s are 15, 5 1s are 5, 3 10s are 30, या 3 1s are 3 एंड 0 एज इट इज, ओ 3। अच्छा जी अब हमारा इसी का ये दोनों तो सॉल्व हो गए, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 1 carry इधर, 2 7s are 14, 1 1s 7, देखिए ऊपर सॉल्व किया था ना सेम है, 3 3s are 9, 2 carry इधर, देखें वही हुआ और यहाँ क्या आ जाएगा 9, 3 13 एंड 13 1s are 13। अच्छा ये तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ लेकिन ये है कि अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करें, 3 5s are 15, 5 1s are 5, इसी तरह 2 1s are 2, 1 carry इधर, 2 5s are 10, 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5, इसी तरह से है 3 3s are 9 एंड 0। अच्छा जल्दी जल्दी में तो देखा ये 9 एंड 0 तो भाई 3 से नहीं है, आप पहले 2 से करो, अब मैं इसको पहले 2 से सॉल्व करती हूँ, 2 4s are 8, 1 carry इधर, 2 5s are 10, 3 1s are 3, 1 carry इधर, 3 5s are 15, फिर 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। अच्छा ऐसा करते हैं कि ये वाले फैक्टर पहले बना लेते हैं, ये छोटे नंबर है ना, चलो यहाँ से हम लिखना शुरू करते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ विच नंबर 15, प्राइम फैक्टर ऑफ 30, प्राइम फैक्टर ऑफ 90। अब देखें यहाँ कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 3 into 5, जबकि नेक्स्ट में क्या आ रहा है 2 into 3 into 5 और उसके बाद वाले में 2 into 3 into 3 into 5, 2 3 3 5। अच्छा अब मैंने यहाँ लिख लिया प्राइम फैक्टर ऑफ 390, इसमें कितने डिजिट आ रहे थे, 2 into 3 into 5 into
13 ये रहे, 2 ये रहा, 2 3 5 13, अब आ जाएगा 2 3 3 3 13, ये रहा 2 3 3 3 एंड 13, बाद में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 468, 2 2 3 3, अब हमने लिखा 2 2 3 3 एंड 13, ये लग गया इन टूज मल्टीप्लाई का साइन। अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं ये 15 वाला नंबर 3 3 3, ये रहा 3, ये रहा 3 और ये रहा 3, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3। और ये अब हम क्या कर रहे हैं, एल सी एम 3 आ गया। अब क्या हमारे पास 5 आ रहा है, 5 5 5, ये रहा 5। अब इसके बाद हम आते हैं, ये 3 कॉमन निकल आया, 5 कॉमन निकल आया। अब देखें आपके पास 2, एलसीएम ले रहे हैं ना, लेकिन इसका फैक्टर बन सकता है, ये दो चीज़ें आ सकती है, तो अब यहाँ पे हम इन दोनों के हिसाब से क्या ले लेंगे, 2 1 2, यहाँ पे आ गया 2। अच्छा अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट जो नंबर लिख रहे हैं वो रिमेनिंग नंबर है। अब आप देखें सब फिलअप है, सिर्फ एक 3 नहीं है, तो ये आ गया 3, एल सी एम 3 5 15, 15 2 30, 30 को 3 से देंगे, ये रहा 30, इसको दिया 3 से, 3 0 0, 3 3 9, ये देखिए एलसीएम निकल आया आपके पास 90। ये दो ही पेयर बन रहे थे, बन जाने दें, ये और यहाँ पे भी कोई नंबर 2 होता ना तो वो दोनों भी हो सकते थे, ये हमने नज़दीक नज़दीक की वजह से नहीं बनाया, ये किसी भी दो फैक्टर में दो नंबर भी सेम आ रहे हो तो ऐसे कर सकते हैं। 3 आए तो वो तो अपनी जगह बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 आए तो ऐसे सॉल्व हो सकता है। अच्छा जी अब ये क्वेश्चन जी था ना, इसमें देखे कॉमन नंबर 2 2 2, कलर्ड मार्कर से लिखने का मकसद यही है कि समझना आसान हो जाए कि हम कैसे करें। ये रहा 3 3 एंड 3, ये आ गया 3। अब इसके बाद क्या चीज़ हमारी कॉमन चल रही है, है कोई चीज़, 13 13 13 13, ये आ गया 13। अच्छा इसके बाद हमारा कौन सा नंबर आ रहा है जो सेम है, 3, ये देखें ये 2 3, बल्कि मैं इधर से कर देती हूँ, ये रहा 3, ये रहा जी। यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर भी मालूम करते रहे, और ये अब एलसीएम की बारी आई, तो 2 सेम एज, ये रहा 2, इसी तरह 3 कॉमन थे तीनों में, 3 ये रहा, 13 तीनों में आ रहा था वो ये रहा, 3 का भी पेयर बन रहा है, दो लाइनों में आ रहा है, इट्स ओके। इसके बाद फर्स्ट रॉ पे आए तो यहाँ बचा है 5, ये रहा 5, सेकंड रॉ में देखें तो सिर्फ 3 है वो ये रहा, और इसी तरह लास्ट रॉ के अंदर 2 है वो ये रहा। अब इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 3 6 और 13 3 39, फिर 5 3 15, 15 2 30, ये रहा 30। 39 को 6 से मल्टीप्लाई देंगे, 234, ये मैंने सॉल्व कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय 30 एज इट इज़। उसके बाद इन दोनों नंबर को हमने यहाँ पे देखें, 0 को अगर मैं अलग कर दूँगी उसके बाद सॉल्व करूँगी, आखिर में ये 0 यहाँ से यहाँ लगा दूँ तो ये मेरा शॉर्टकट मेथड हो जाएगा, वरना ये 2 स्टेप से जाएगा क्योंकि ये 2 डिजिट्स हैं। यहाँ 0 लगा देने से क्या होगा, अगर मैं एक नंबर रिज्यूम करती हूँ 12 2 0, ठीक है, अब अगर मेरे पास इतने सारे नंबर हैं ज़ीरोज़ तो मैं क्या करूँगी, इसको 2 2 0 4, 2 1 0 2, और ये तीनों ज़ीरोज़ लगा दूँगी, अगर 4 होंगे तो 4 लग जाएंगे, इससे क्या होगा कि मैंने एक ही स्टेप में सॉल्व कर लिया, वरना मैं इसके लिए कितने स्टेप करती, 1 2 3 4 5, तो ये लेंथी मेथड हो जाता और ये नहीं करना। अब है आपके पास 2 3 4 को 30 से मल्टीप्लाई किया, 3 से सबको मल्टीप्लाई करके ये 0 यहाँ लिख दिया और आंसर आ गया 7020, ये रहा एल सी एम।